नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कोरोना संकट के बीच जनवरी मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% रही, लेकिन पूरे साल यानी वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो इस दौरान जीडीपी ग्रोथ -7.3% रही। वित्त वर्ष 2020-21 में चार तिमाहियों में पहली दो तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट रही, जबकि अंतिम दो तिमाही में इसमें बढ़त देखी गई। ये लगातार दूसरी तिमाही है जिसमें कोरोना के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती नजर आई। जीवीए में पूरे साल के दौरान 6.2% की गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में दूसरी बार एडवांस अनुमान जो सरकार ने जारी किया था उसमें कहा गया था कि जीडीपी में 8% की सालाना गिरावट आ सकती है, हालांकि उस अनुमान की तुलना में कम गिरावट आई। वित्तीय घाटे के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय घाटा सरकार के अनुमान से कम रहा। अप्रैल में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ सालाना आधार पर 56% से ज्यादा बढ़ी है। यह बढ़ोतरी लो बेस इफेक्ट के चलते ही पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन के चलते 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ -37.9% रहा था। 8 कोर सेक्टर में कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी आती है। अप्रैल में कोल आउटपुट सालाना आधार पर 9.5% बढ़ा है। सीमेंट आउटपुट में 548% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट बढ़कर 38.7% रहा। कारोबारी हफ्ते की आज शानदार शुरुआत हुई है। पहली बार निफ्टी आज 15,500 के पार निकला और ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। आज की शानदार तेजी के चलते निवेशकों के 1,80,000 करोड़ रुपए बढ़ गए। कोरोना केस में कमी आने के साथ ही रिकवरी में तेजी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। कारोबार के अंत में निफ्टी 147 अंक चढ़कर 15,583 पर बंद हुआ। यह निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग है। सेंसेक्स में भी 515 अंक चढ़कर 51,937 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छा कारोबार हुआ। बाजार को आज रिलायंस और बैंकिंग शेयरों से सपोर्ट मिला। निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 450 अंकों की जोरदार रिकवरी देखने को मिली और मिड कैप में भी अच्छी रौनक नजर आई। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक ने बाजार में जोश भरने का काम किया। शिखर पर पहुंचे बाजार को रियल्टी शेयरों से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1% की तेजी नजर आई और इस महीने करीब 9% उछला है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की तीसरी सीरीज आज से खुल गई है। इसमें अगले 5 दिनों तक निवेश कर सकते हैं। इसका इश्यू प्राइस 4,889 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले और डिजिटल मोड के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। यानी ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 4,839 रुपए प्रति ग्राम होगा। आपको बता दें कि गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 8 साल की होती है और इस पर सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है। बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज इन्वेस्टर और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है, लेकिन इस पर टीडीएस नहीं कटता है। कोविड के इलाज के लिए सरकारी बैंकों ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अभी तक इलाज से जुड़े खर्च के लिए पर्सनल लोन कैटेगरी में भारी ब्याज पर लोन का विकल्प था, लेकिन अब सरकारी बैंक कोरोना के इलाज से जुड़े 25,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दे पाएंगे। इस लोन पर ब्याज दर बाकी पर्सनल लोन से काफी कम होगी। भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर इस लोन के लिए 8.5% होगी। ये 5 साल की अवधि के लिए होगा। दूसरे पर्सनल लोन पर बैंकों की ब्याज दरें 10% से लेकर 16% तक हैं। ऐसे में सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलने से कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। रियल एस्टेट पोर्टल housing.com और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मिलकर देश में एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। ये इंडेक्स देश के 8 प्रमुख शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों को ट्रैक करेगा। हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स को एक वर्चुअल इवेंट के जरिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने लॉन्च किया। ये इंडेक्स न सिर्फ घर खरीदारों के लिए, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के लिए भी भविष्य को लेकर योजनाएं बनाने में मददगार साबित होगा। मिश्रा के मुताबिक सोसाइटी के लिए इस इंडेक्स की बहुत ज़रूरत थी और ये देश के निर्माण में मददगार साबित होगी। अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे को इस इंडेक्स के तहत कवर किया जाएगा।
अदानी ग्रुप ने लखनऊ एयरपोर्ट के चार्ज में 10 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अदानी ग्रुप के पास मौजूद बाकी 5 एयरपोर्ट के चार्जेस में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसमें जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल है। अदानी ग्रुप ने इन एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए साल 2019 में बोली लगाई थी। बोली सफल साबित होने के बाद ये 6 एयरपोर्ट उसके हवाले कर दिए गए थे। इस समय देश भर के एयरपोर्ट पर लगने वाले चार्ज एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी या सरकार की ओर से तय किए जाते हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मई महीने के आखिरी दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल में 25 से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस महीने तेल कंपनियों ने 16 बार दाम बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में मई में पेट्रोल प्रति लीटर 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हो चुका है। मुंबई, भोपाल और श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक भाव पर बिक रहा है। देश के तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC रोज सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर कई सवाल उठाए हैं। आज सुनवाई के दौरान वैक्सीन की खरीद के लिए ड्यूल पॉलिसी और कोविन प्लेटफॉर्म एक्सेस करने को लेकर कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का एक ही दाम होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्यों को कोविड वैक्सीन के लिए ज्यादा कीमत क्यों देनी पड़ रही है। अदालत की बेंच ने वैक्सीन के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी अपनाने को कहा। साथ ही कोविन ऐप पर वैक्सीन के अनिवार्य पंजीकरण पर केंद्र की खिंचाई भी की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दिसंबर तक देश में सभी का टीकाकरण कर दिया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए ये भी कहा कि ये जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण दायर की गई याचिका है। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पुरी ने कहा कि विपक्ष प्रोजेक्ट को रोक कर उन पैसों से वैक्सीन खरीदने की मांग कर रहा है जबकि इस प्रोजेक्ट का वैक्सीन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। पुरी ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है। टोटल खर्चे की बात है यहाँ पे 1,300 करोड़ के आसपास की और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक। 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में भले ही थोड़ी कमी आई हो लेकिन राज्य सरकार अभी 15 जून तक लॉकडाउन जारी रखेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जल्दबाजी की अभी जरूरत नहीं है इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार जिन जिलों में 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है वहाँ नियमों में कुछ ढील जरूर दी गई है लेकिन 20% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में सख्त पाबंदी जारी है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ नियम हल्के किए गए हैं और वहाँ केसेस बढ़ने लगे। शहर से ज्यादा गाँवों में ऐसी स्थिति देखने को मिली। बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मंत्रियों और अधिकारियों की अलग अलग बैठक हुई। इसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए लॉकडाउन बढ़ाने की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद व्यापारियों को राहत देते हुए सभी दुकानें एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट डे खुलेंगी। जिलों के DM ये फैसला करेंगे कि किस तरह की दुकानें किस दिन खुलेंगी। इसके अलावा अभी खुल रही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सभी जगह सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद रहेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। बीते दिन नए मामलों के साथ पहली बार मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी गई। बीते 24 घंटे में 50 दिन बाद सबसे कम केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,53,000 नए केस आए हैं और 3,128 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं बीते एक दिन में 2,38,000 लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि देश में लगातार 18वें दिन कोरोना के नए मामलों से ज़्यादा रिकवरी हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 20,26,000 के पास है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है जो कोरोना से पीड़ित लोगों से ठगी करने में लगे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक महीने में ठगी के मामलों में करीब 600 FIR दर्ज की गई हैं और
1150 मोबाइल सिम कार्ड को ब्लॉक किया गया है। इनके साथ ही ठगी के आरोप में 366 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, साइबर और जिला पुलिस की अलग अलग 50 से ज्यादा टीमें काम कर रही हैं। ठगों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 480 से ज्यादा बैंक खाते सील किए हैं। इन खातों में करीब 1,19,00,000 रुपए जमा थे जो दिल्ली पुलिस ने फ्रीज करवा दिए। CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर दो दिन में फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगी। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार दो दिन में तय कर लेगी कि CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी। केंद्र की दलील पर दो दिन की मोहलत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फैसला लेने के लिए वक्त दिया जाता है, आप जो भी निर्णय लेंगे उसके पीछे आपको मजबूत दलील देनी होगी। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि इस साल भी पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं होगी और नंबरिंग के लिए मेथड सिस्टम अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण रद्द किए जाने से नाराज चल रहे मराठा समुदाय के लिए उद्धव सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैटेगरी छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय के युवाओं को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही सीधी सेवा भर्ती में मराठा उम्मीदवार 10% रिजर्वेशन का फायदा उठा सकेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। अभिनेत्री जूही चावला ने देशभर में 5G नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दावा किया है कि 5G नेटवर्क से लोगों के साथ साथ पशुओं, वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन का कुप्रभाव पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई 2 जून को होगी। जूही चावला की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अगर 5G योजना सफल होती है तो ऐसा कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पेड़ पौधा नहीं होगा जो दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन RF विकिरण के स्तर से बचने में सक्षम होगा। उन्होंने दावा किया है कि 5G आने से मौजूदा विकिरण 10 से 100 गुना तक बढ़ जाएगा। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि 3 जून तक केरल में दस्तक दे सकता है। IMD का कहना है कि 1 जून से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे जोर पकड़ सकती हैं, जिसके चलते केरल में मानसून की गतिविधि में तेजी आ सकती है। लेकिन निजी एजेंसी स्काईमेट ने मानसून के केरल पहुंच जाने की बात कही है। स्काईमेट का कहना है कि इस साल मानसून की शुरुआत कमजोर है। स्काईमेट ने इस साल सामान्य बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं IMD के मुताबिक पूरे सीजन में 98% बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आने को लेकर सभी मानकों का विश्लेषण जारी है और ये 3 जून तक केरल के ऊपर पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। यास तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल ना होने पर मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन वो नहीं आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IAS अल्पन को मुख्य सलाहकार बनाया है। इसके साथ ही बंगाल के गृह सचिव HK द्विवेदी को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अल्पन का मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के तौर पर 3 साल की अवधि के लिए कार्यकाल होगा। इस दौरान उन्हें 2.5 लाख रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू में चल रही तनातनी से निपटने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। साथ ही राज्य के मंत्री विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। सिद्धू समेत 25 मंत्री विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और आज इनके साथ विशेष कमेटी एक एक कर बात कर रही है। बाकी मंत्रियों, विधायकों से कमेटी कल यानी मंगलवार को मिलेगी। कांग्रेस में चल रही संकट को खत्म करने के लिए बनाई गई कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, जयप्रकाश अग्रवाल और हरीश रावत हैं। ये कमेटी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेगी। टूलकिट और सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर विवादों में घिरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब एक और केस दर्ज किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल यौवन शोषण से जुड़े कुछ लिंक्स के सिलसिले में ट्विटर से जवाब मांगा था, जिससे ट्विटर ने इनकार कर दिया है। इसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। आयोग ने IT मिनिस्ट्री को भी इस बारे में जानकारी दी। आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वो अकाउंट ट्विटर से हटा दिए जाएं जिनका इस्तेमाल शायद अभी बच्चे कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि जब तक ट्विटर से ये जवाब या आश्वासन नहीं मिल जाता कि बाल यौन शोषण से जुड़े इन लिंक्स की समस्या दूर की जाएगी या इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक इन अकाउंट्स को हटा दिया जाए।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड से मरने वालों की संख्या 83 हो गई है। 20 से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायलों का जिले के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डीएम के मुताबिक अब तक 25 लोगों की मौत ही जहरीली शराब से हुई है। बाकी जिन लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं वो सभी संदिग्ध हैं। उनका विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। उसकी जांच से पता चल पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई। पुलिस ने रविवार देर शाम मुख्य आरोपी विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा अभी फरार चल रहा है। उसकी तलाश में जगह जगह दबिशें दी जा रही है। मुंबई में मेट्रो की लाइन 2A और 7A पर आज से ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हुआ है। 20 किलोमीटर लंबी ये लाइन दहिसर से डीएन नगर और दहिसर से अंधेरी वेस्ट रूट वाले मेट्रो को जोड़ती है। एमएमआरडीए के आयुक्त आरए राजीव के मुताबिक 4 महीने ट्रायल चलेगा। उसके बाद सभी सुरक्षा मानकों के परीक्षण के बाद अक्टूबर महीने से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज दोपहर 12:30 बजे इसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हरी झंडी दिखाई। ये दोनों रूट की मेट्रो शुरू होने के बाद मुंबई में मेट्रो का जाल और फैलाया जाएगा। फिलहाल मुंबई में अंधेरी से घाटकोपर इसी एक रूट पर मेट्रो चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 14 जून को 1 साल होने वाला है। इस बीच पिछले हफ्ते एनसीबी ने दिवंगत एक्टर के रूम में सिद्धार्थ पिठानी को पिठानी के बाद अब उनके हाउस हेल्पर केशव और कुक नीरज को भी समन भेजा है। इन दोनों से एनसीबी ड्रग केस में कनेक्शन और सुशांत की मौत के मामले में फिर से पूछताछ होगी। दोनों कथित तौर पर 8 महीने से एनसीबी की मुंबई यूनिट से भाग रहे थे और मुंबई के बाहर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केशव और नीरज दोनों अगस्त में ही अलग अलग बॉलीवुड हस्तियों के घरों में काम करने के लिए मुंबई लौटे थे। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सर्कस लगभग पूरी हो चुकी है। ये हैवी वीएफएक्स फिल्म है, उस पर वीएफएक्स कंपनी काम शुरू कर चुकी है। ट्रेड सर्कल का कहना है कि रोहित अब गोलमाल 5 पर जुटेंगे। अपनी टीम के साथ वो इसके प्री प्रोडक्शन पर जल्द ही काम शुरू कर देंगे। गोलमाल की पिछली किस्त में हॉरर का एलिमेंट था, इस बार एक्शन का डोज ज़्यादा रहेगा। प्राइमरी कास्ट में पिछले पार्ट के कलाकारों को रिपीट किया जाएगा। इस बारे में रोहित शेट्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। इस बीच दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में इस फिल्म की सभी किस्तों में मौजूद तुषार कपूर ने 5वें पार्ट को लेकर कुछ बातें शेयर की हैं। सुपरस्टार प्रभास महानेटी फेम डायरेक्टर नाग अश्विन की अपकमिंग फिल्म में लीड रोल कर रहे जो कि एक सुपर हीरो का किरदार होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण उनके अपोजिट इसी फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं। वहीं अमिताभ बच्चन भी फिल्म में अहम रोल निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सभी एक्टर्स की फीस का बजट ही 200 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड विजेता नाग अश्विन ने ही प्रोडक्शन टीम चुनी है जो कि उनके लिए महानेटी के लिए काम कर चुकी है। कोरोना महामारी के बीच भी बॉलीवुड सेलेब्स लगातार प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के बाद अब बॉलीवुड में सिंघम अजय देवगन ने मुंबई में नया बंगला खरीदा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बंगले की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है। अजय ने ये प्रॉपर्टी अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन के घरों के पास ली है। इस तरह वो अब इन दो स्टार्स के नए पड़ोसी बन गए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों में सूर्यवंशी, गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR, मैदान, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, थैंक गॉड और मेडे शामिल है। ओटीटी की दुनिया में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे सोनी लिव ने बड़ा दाव खेला है। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ अब इन प्लेटफॉर्म पर नई साउथ इंडियन फिल्म्स भी प्रीमियर होंगी। साउथ के दिग्गज फिल्मकारों के साथ एक बड़ी डील साइन की गई है। इस डील के तहत पहले ही 10 तमिल और 4 तेलुगु फिल्मों का करार किया गया है। फिल्मों का अनाउंसमेंट अगले महीने तक होने की उम्मीद है। IPL 2021 में दर्शकों को भी स्टेडियम में एंट्री मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने 50% फैंस को स्टेडियम में एंट्री की परमिशन दे सकता है। बोर्ड ने इसके साथ ही एक शर्त भी रखी है, वैक्सीन लगवा चुके लोग ही स्टेडियम में एंट्री कर पाएंगे। BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सचिव जय शाह, कोषाध्यक्ष अरुण धूमल और IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल फिलहाल UAE में हैं। IPL के बाकी बचे 31 मैच सितंबर अक्टूबर में UAE में होने हैं। इसके लिए तारीखों का ऐलान ही जल्द हो सकता है। IPL 2021 सीजन में हिस्सा लेने पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, कोच, कमेंटेटर्स और स्टाफ करीब 20 दिन बाद अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस समेत 38 खिलाड़ी और स्टाफ अब तक क्वारंटाइन थे। आज वे सभी अपने अपने घर पहुंचे और परिवार से मिलने के बाद इमोशनल तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। कमिंस, वार्नर और कई खिलाड़ी सुबह क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके अपने घर पहुंचे। उन्हें देखकर परिवार वाले इमोशनल हो गए।
भारतीय महिला टेस्ट और वनडे क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने कहा कि कोच रणदीप पवार के साथ अब उनका कोई मतभेद नहीं है। वे 2018 में वेस्टइंडीज में T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मिली हार के बाद पवार से हुए झगड़े को भूल चुकी हैं। मिताली ने कहा कि वे 21 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भारत के लिए खेलने का मतलब होता है कि देश की सेवा करना, इसलिए निजी मसलों को तूल देने का कोई मतलब नहीं है। मिताली ने कहा कि कोच पवार के साथ नियमित तौर पर उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, साथ ही टीम की प्लानिंग को लेकर लगातार चर्चा भी होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 7 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेगी। टेस्ट मैच की शुरुआत 16 जून से होगी। फिलहाल टीम मुंबई में क्वारंटाइन है और 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। BCCI ने महिला टीम के लिए नया टेस्ट किट भी लॉन्च किया है। इसे देखकर टीम की उप कप्तान हरमनप्रीत कौर और ओपनर जेमिमा रोड्रिक्स इमोशनल हो गई। हरमनप्रीत ने कहा कि 4 दिन के फॉर्मेट में ही असली चैलेंज का पता चलेगा। महिला टीम ने इससे पहले 2014 में साउथ अफ्रीका की खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। फ्रेंच ओपन के पहले दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वर्ल्ड नंबर 68 स्पेन के पाब्लो एंदुजार ने 2 बार के फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को पहले ही राउंड में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 4.5 घंटे चला ये मैच 5 सेटों तक गया। वहीं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास और जापान की नाओमी ओसाका अपने मैच जीतकर टूर्नामेंट के 2रे राउंड में पहुंच गए हैं।